सर विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखे तो भूगोल विषय का पाठ्यक्रम हमने पूरा कर लिया है। भूगोल विषय के बाद आज हम जो आपके पाठ्यक्रम में अगला जो विषय है अर्थशास्त्र, जिसमें कुछ पाठ है सर द्वारा कराए जा रहे हैं और कुछ पाठ है मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था की जो अवधारणाएं हैं, नियोजन है, वो वाला पाठ हम करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले जानें कि राष्ट्रीय आय आपके दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम को जानने से पहले हम जानते हैं आय, इनकम क्या है। देखो, सामान्य सी बात है, हमारे परिवार द्वारा सामान्यतः अर्थव्यवस्थाओं के संचालन के लिए जो आजीविका प्राप्त की जाती है कार्य करके, वह हमारे परिवार की क्या है, आय है। इसी प्रकार हमारे आसपास के जो पड़ोसी है उनके द्वारा जो आजीविका जो प्राप्त की जाती है, तो हम सारे मोहल्ले की आय भी कलेक्ट कर सकते हैं, गिन सकते हैं भाई क्या कितनी आय है, कितनी इनकम हमारे मोहल्ले की है। इसी प्रकार हम अपने गांव, इसी प्रकार राज्य, जिला और इसी प्रकार पूरे देश की आय हम जान सकते हैं। तो नेशनल इनकम जो है वह क्या है, तो आय समझ में आ गया। आय समझते हैं आजीविका, जो आजीविका है जिसकी प्राप्ति हम करते हैं, उस आजीविका के आधार पर एक परिवार की आय का निर्धारण किया जाता है। एक व्यक्ति परिवार के, जैसे दो व्यक्ति है कमाने वाले, दो व्यक्ति जो रोजगार करते हैं, तो दोनों व्यक्तियों की आय मिला के क्या हो जाएगी, आपकी परिवार की इनकम, फैमिली इनकम हो जाएगी। इसी प्रकार आपके पूरे पड़ोस में जितने लोग हैं उनकी इनकम के लिए सबकी फैमिली इनकम जानना जरूरी है। फिर आपके गांव के लिए तो पूरे गांव की लोग परिवारों की इनकम जानना जरूरी है। इसी प्रकार आपके पूरे जिले में, राज्य में और फिर देश में, तो टोटल देश के जितने भी लोग हैं वो कितने आजीविका की प्राप्ति करते हैं, उनके अनुसार हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आय समझ में आ गया, और इसी आय से किसका राष्ट्रीय आय का निर्माण किया जाता है या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करें, सबसे पहले भाई राष्ट्रीय आय की गणना से हमें क्या पता लगेगा। तो जैसे परिवार की जो आय है उससे हमें क्या पता लगता है, परिवार की आय से हमें परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लग जाता है। सीधी सी बात है कि परिवार की कोई भी आता है तो आय के अकॉर्डिंग देख लेता है इस परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है या बहुत ही कमजोर है। फिर उसके रहन सहन का तरीका वो उसकी आय पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसे ही देश की जो आय है, देश की आय से हम देश की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की जो सेक्टर है उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जो देश की आय है उसमें देश के विभिन्न संसाधनों के प्रतिरूपों का हम पता लगा लेते हैं, और जो देश की आय है उस देश की आय के आधार पर हम विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे परिवार की इनकम है, समझ में आ रहा है कि हम राष्ट्र की आय को एक परिवार की आय के उदाहरण के आधार पर समझ रहे हैं कि एक परिवार की आय है, उस आय के आधार पर हम क्या क्या जान पाते हैं। तो परिवार की आर्थिक स्थिति जान पाएंगे, परिवार की जो रहने की स्थिति, रहन सहन, रीति रिवाज वगैरह, रीति रिवाज अलग हो गया, सामाजिक प्रोडक्शन आ गया वो, और ये रहने की स्थिति, और इसके अलावा जो नीति निर्माण, भाई आय के अकॉर्डिंग क्या होगा, नई नई योजनाएं बनेगी, और आय अगर कम है तो कम योजनाएं बनेगी, आय है तो ज्यादा ज्यादा है तो ज्यादा योजनाएं बनेगी।
ऐसे ही देश में अगर इनकम अधिक है तो ज्यादा योजनाएं बनाएगा और ज्यादा विकास होगा, इनकम कम है तो कम विकास होगा। तो किसी भी देश की आय है वह उस देश के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाती है। और आप बोलोगे कि भाई आय को भी बढ़ाना तो जरूरी है, तो आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न संसाधन जो है वो भूमिका निभाते हैं। जो हमारे पास में जो संसाधन है, देश में जो संसाधन है, और संसाधन में कौन आ गया, आपके भौतिक संसाधन आ गए, आपके मानवीय संसाधन आ गए, भौतिक और मानवीय संसाधन मिलकर के और देश की आय को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में है कि जो आर्थिक अवधारणाएं, जो आर्थिक या हमारी आय को जानने या आय की गणना के लिए कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो बहुत ही अति आवश्यक है, जिसका अध्ययन किए बिना हम देश की आय, परिवार की आय, प्रति व्यक्ति आय उसको जान नहीं सकते हैं। तो आर्थिक अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा वो हमारी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। क्या है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा तो देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय है एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च तक चला। एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, वस्तुओं में सेवाओं के अंतिम या शुद्ध मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम और शुद्ध मूल्य तथा विदेशियों से प्राप्त उत्पादन व सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें उत्पादित वस्तुएं हैं उनका अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का मतलब है कि उनका पुनः प्रसंस्करण नहीं हो सके, पुनः प्रसंस्करण नहीं हो सके। और विदेशियों से प्राप्त, ये तो आपका वस्तुएं सेवाएं कौन सी है, डोमेस्टिक है, घरेलू है, देश की है, और ये कौन सी है, विदेशी। विदेशी के भी उत्पादन और सेवाएं दोनों आ गए, उत्पादन और सेवाएं हैं, उनमें एक तो क्या हो गया, आयात हो गया और क्या हो गया, निर्यात, जा भी रही है और आ भी रही। आयात और निर्यात से जो मूल्य हमें मिल रहा है, आयात में निर्यात को घटा देंगे, उससे प्राप्त जो आय है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपकी उत्पादित वस्तुएं हैं, जो उत्पादित वस्तुओं का कौन सा मूल्य, अंतिम मूल्य, सेवाओं का कौन सा मूल्य, अंतिम मूल्य, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का मतलब है दोबारा इनका प्रसंस्करण नहीं हो सके। और इसके अलावा विदेशियों से प्राप्त उत्पादन और सेवाओं के मूल्य का योग है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन की प्रक्रिया है, एक वित्तीय वर्ष में जो भी हम उत्पादन करते हैं उस उत्पादन की प्रक्रिया में आपके जो योगदान मिलता है उस योगदान के दौरान जो राष्ट्र की आय, राष्ट्र में आय की प्राप्ति होती है उसी आय को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय में एक बात है कि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को या जीडीपी को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आय जो है वो किस पे निर्भर करती है, साधनों के मूल्यों पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, साधनों के मूल्यों पर निर्भर करती है। और राष्ट्रीय आय की गणना भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे होती है,
साधनों के मूल्य पर ही राष्ट्रीय आय की क्या गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य और विदेशों से प्राप्त उत्पादनों और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें जो आय है उसमें घरेलू आय बता दिया मैंने और विदेशी आय दोनों को शामिल किया जाता है। विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय और घरेलू से प्राप्त शुद्ध आय को हम शामिल करते हैं। इसको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसे जीएनपी के माध्यम से जानते हैं, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर होती है, साधन के आधार पे किसके आधार पर होती है, उत्पादों के आधार पर होती है। और इसकी गणना के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए फॉर्मूला है आपके टीपी प्लस एसपी प्लस एक्स माइनस एम। क्या है एक्स माइनस एम? टीपी का मतलब है कुल वस्तु उत्पादन। टीपी का मतलब क्या है? कुल वस्तु उत्पादन। एसपी का मतलब है कुल सेवा उत्पादन या सेवा उत्पाद। और एक्स का मतलब है जो विदेशियों से जो हमें प्राप्त होती है उत्पादन और सेवाएं, विदेशियों से उत्पादन और सेवाएं हमें प्राप्त होती है उत्पादन व सेवाएं, विदेशियों से प्राप्त उत्पादन व सेवाएं, वो तो क्या होती है, आयात होता है। तो आयात तो क्या हो गया एक्स। और एम क्या होता है, जो विदेशियों को हम प्रदान करते हैं या विदेशियों को हमारे द्वारा भेजी जाती है, विदेशियों को भेजी जाने वाली सेवाएं व उत्पादन, ये क्या है आपका निर्यात है, ये क्या है निर्यात है। तो टीपी यानी कुल वस्तु उत्पाद, कुल सेवा उत्पाद, और ये एक्स माइनस एम, एम यानी एक्स का मतलब है आयात और एक्स का मतलब है आयात और एम का मतलब है निर्यात। एम का मतलब क्या है, निर्यात। तो इसके अतिरिक्त हम यू भी लिख सकते हैं एक्स एन एक्स, एन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एम, यानी आयात और निर्यातों का क्या हो गया, अंतर हो गया, कितना गया और कितना आया। तो इनमें जो अंतर रह गया वो तो क्या हो गया एनएक्स, ये भी कर सकते हैं टीपी प्लस एसपी प्लस एनएक्स। अब एनएक्स जो आया और ये कितना उत्पाद कितनी सेवाएं हमारे डोमेस्टिक थी और ये क्या है बाहरी है, इनको जोड़ के हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, जीएनपी की प्राप्ति कर लेते हैं। तो समझ में आ गया कि रिपीट कर लेते हैं एक बार कि एक वित्तीय वर्ष में जितने भी उत्पाद, क्योंकि साधन लागत पे होता है ये, फैक्टर कॉस्ट पे होता है, कुल उत्पाद और कुल सेवा उत्पाद, विदेशियों से प्राप्त उत्पादन और सेवाएं यानी आयात, और विदेशियों को भेजी जाने वाली सेवाएं यानी निर्यात। तो आयात निर्यात को हटाया तो हमारा इनकम आ गई और ये सेवाएं हमारी है और ये हमारे उत्पाद, ये कुल मिला के क्या हो गया हमारा राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की हम क्या है गणना कर लेते हैं। इसके बाद एक आता है एनएनपी, ये क्या आता है एनएनपी। एनएनपी जो होती है, यही बता देता हूं आपको, जो एनएनपी है नेशनल नेट प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय शुद्ध, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद
ये राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद होता है जो हमारी जीएनपी आई है, इस जीएनपी में जो अवमूल्यन हो गया, जो अवमूल्यन हो गया, उस अवमूल्यन को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, नेशनल नेट प्रोडक्ट या राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद आ जाता है। और यह एनएनपी है, यह है आपकी एनएनपी है, यही आपकी क्या है, नेशनल इनकम है। एनएनपी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये नेशनल जो इनकम है वो किस पे निर्भर करती है, फैक्टर कॉस्ट पे, किस पे करती है, साधन लागत पे निर्भर करती है। और साधन लागत क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट है आपके जितना भी टैक्स लगता है उस टैक्स में आप सब्सिडी को क्या कर दो, जोड़ दो, सब्सिडी को क्या कर दो, जोड़ दो। और आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दो, घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दो, घटा दो। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, साधन लागत होती है। तो एक बार रिपीट करते हैं समझने की दृष्टि से कि जीएनपी है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, अगर उसमें जो भी अवमूल्यन है, जो भी अवमूल्यन है या जो मूल्यह्रास है उसको घटा देंगे, अवमूल्यन या मूल्यह्रास है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास में सीधा सा क्या आ जाएगा, सीधा सा हमारे पास में नेशनल नेट प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद ये आ जाएगा। और राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद ही क्या है, राष्ट्रीय आय है। और यह राष्ट्रीय आय जो भी बताया था कि साधन लागत पे निर्भर करती है, साधन लागत क्या है, कि साधन लागत है कि जो भी आप उत्पादन करते हैं उनमें टैक्स तो कितना लगा, टैक्स तो कितना लगा, और सब्सिडी आपको कितनी मिली, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना था उसको हम घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम, सॉरी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। और इस फैक्टर कॉस्ट पे हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। तो समझ में आ गया, राष्ट्रीय आय। अब इसी से जुड़ा हुआ एक आर्थिक अवधारणा का अगला बिंदु है वो है जीडीपी। क्या है, जीडीपी है, क्या है, जीडीपी। एनएनपी समझ में आ गया, एनएनपी के बाद आपके आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। भाई डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू, यानी उत्पाद का होगा देश में, उत्पाद का होगा देश में। अगर बाहरी, पहले तो क्या था, विदेश से आ गया और चला गया, लेकिन यहाँ जो उत्पाद देश में होगा और जो विदेशी उत्पादों की बात भी करते हैं, वो विदेशी उत्पाद भी, विदेशी कंपनियां भी उत्पाद कहाँ करेगी, हमारे देश में ही करेगी, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सा होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब है वही 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में देश के, उस देश में, हमारा देश है तो हमारे देश में, देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, और उसी देश में, और उसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के योग को,
योग को क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, जीडीपी कहते हैं। एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में देश के आंतरिक भाग में ही उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का जो योग है, और उसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो योग है, ये इसका योग और ये इसका योग, दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। गणना के लिए जो फॉर्मूला है, जीडीपी का फॉर्मूला वही टीपी प्लस टीएस प्लस देश में उत्पादित विदेशियों द्वारा या देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उत्पादित क्या है? वस्तुएं व सेवाएं। देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनके मूल्य का योग। और टीपी का मतलब क्या हुआ? आपके टीपी का मतलब है जो प्रोडक्ट यानी उत्पादन, और टीएस का मतलब है सेवाएं। इसका मतलब है उत्पादन का मतलब है सेवाएं, सेवा और उत्पादन के अलावा देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं और वस्तुओं और सेवाओं का योग क्या कहलाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा आपके जीडीपी से जुड़ा हुआ है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वही बात आ जाती है क्या कि जो अवमूल्यन है जीडीपी में, जो अवमूल्यन है, अवमूल्यन या मूल्यह्रास, इसको डी से व्यक्त करेंगे। अवमूल्यन को हटा दो, क्या मिल जाएगा आपको? एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। तो हमने दो परिभाषाएं देखी है, एक तो देखिए एनएनपी और एक तो देखिए आपने नेशनल इनकम है जो एनएनपी पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है, और ये एनडीपी से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आके दूसरा जो है वो है जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है जीएनपी जो अवमूल्यन के बाद हमें प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय, सामान्य से हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय सामान्यतया देश की आय होती है जो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशियों से प्राप्त वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये कोई प्रति व्यक्ति आय से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें फैक्टर यानी साधन लागत है, इस साधन लागत पर यह निर्भर करती है। कौन सी? आपके नेशनल इनकम। और राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। तो विद्यार्थियों, हमने अर्थव्यवस्था के सेक्टर में कुछ अवधारणाओं में दो अवधारणाएं आज पढ़ी है। अगले वीडियो के माध्यम से अगला बिंदु हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।